बिल्कुल इसमें रिलेटेड टू एल्कोहल, एल्कोहल से रिलेटेड आप सभी को पता भी है, जो लोग एक्सेसिव अमाउंट में एल्कोहल लेते हैं तो उनके एल्कोहलिज्म होने के चांसेस होते हैं। और ये किसमें आते हैं बताओ, अदर डिसऑर्डर में। किसमें? देखिए आप लोग, ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइकेटिक डिसऑर्डर है उनको तीन भागों में डिवाइड करके आप लोगों ने पढ़ा। कौन कौन से तीन भागों में? साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर। आपने साइकोसिस में पढ़े क्या क्या पढ़े, कोई बता सकता है एक साथ पूरे? हाँ, आपके पास साइकोसिस में कौन कौन से पढ़े आप लोगों ने, बताइए बच्चों। फंक्शनल साइकोसिस एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस आप लोगों ने पढ़ा। फंक्शनल साइकोसिस में आपने क्या देखा, देखो सिज़ोफ्रेनिया एंड मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर पढ़े। और आप लोगों ने ऑर्गेनिक साइकोसिस में डिमेंशिया और डिलीरियम पढ़ा। पर याद नहीं करते हो तो क्या किया जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं हम लोग एल्कोहलिज्म की। देखिए बात करते हैं एल्कोहलिज्म, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एल्कोहलिज्म। देख कुछ आप कॉमन बातें याद रखेंगे, पहले सबसे पहली चीज यह होती है कि 30 ml एल्कोहल पीना नॉर्मल है। सरकार या 30 ml तक आप लोग पी रहे हो तो वो आपके एल्कोहलिज्म नहीं करेगा, वो 24 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। आप लिखे देखो, ये क्वेश्चन भी है, 30 ml तक एल्कोहल पीना नॉर्मल है और यह 24 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है। 24 घंटे लगते हैं 30 ml बना। अगर 100 बेवड़ा, देखो एल्कोहल इतना मतलब बेवड़ा, हिंदी में क्या है बताओ, बेवड़ा क्या होते हैं ना, जो शराब के बिना नहीं रह सकते, वो है एल्कोहलिज्म। तो आपके पास में आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सर मैं लिख दूं इनके एग्जाम के अंदर, सर बेवड़ा जो है एल्कोहलिज्म है, नहीं लिख सकते ना। तो आप क्या लिखेंगे, 180 ml से ज्यादा कंटिन्यू लगातार 7 days से ज्यादा एल्कोहल लेना एल्कोहलिज्म। समझ जाएंगे बच्चों, समझ जाएंगे। एक बात और आती है यहां पे कि जो एल्कोहलिज्म का जो मरीज है, एल्कोहलिज्म के मरीज का शराब छोड़ने के बाद जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसे एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम कहते हैं, एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। ये तो सभी लोग जानते भी हैं कि एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स किसे कहते हैं बताओ, शराब छोड़ने। तो देखो आप लोग कहेंगे कि सर 180 ml से ज्यादा लगातार 7 दिन तक व्यक्ति जो है शराब पी रहा है तो वो एल्कोहलिज्म है, क्या बता बच्चों? तो इससे क्या शो होता है, इससे आप समझते हो कि कोई क्लाइंट जो है फिजिकली वर्क करने में और साइकोलॉजिकली अगर शराब पर डिपेंड हो जाता है तो वो एल्कोहलिज्म है, क्या बताओ वो, व्हेन ए क्लाइंट
और ऐसा व्यक्ति जब शराब छोड़ेगा तो उसके कौन से सिम्टम्स आएंगे बताओ? एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स आएंगे बच्चों बताओ? समझिए आप लोग, वह व्यक्ति लगातार 180 ml शराब जो है 7 दिन से ज्यादा पीता है तो वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली वो किस पे डिपेंड हो गया बताओ? एल्कोहल पे डिपेंड हो गया। किस पे बताओ? एल्कोहल पे डिपेंड। और जब वो ऐसा व्यक्ति शराब छोड़ता है तो उसके सिम्टम्स आते हैं, कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे बताओ? एल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स। बहुत सिंपल सी बात, देखो कारण क्या हो सकता है। देखो आपको पता है एल्कोहलिज्म का कारण क्या हो सकता है? अरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं एल्कोहलिज्म के। देखो एक तो आपके पास में आसानी से अवेलेबल है, आप कोई नशे के दूसरे पदार्थ लेते हो, हेरोइन कोकेन कोई भी ड्रग्स लेते हो, वो आसानी से अवेलेबल नहीं है और ये आपके पास में हर मोहल्ले के अंदर एक ना एक आपको मिल जाएगा, है ना। तो कारण क्या है? तो आसानी से अवेलेबल है, बहुत सारे लोग इसको फैशन भी समझने लगे हैं, पार्टीज वगैरह के अंदर आजकल यही चलने लगा है कि लाओ बोतल मंगा लेते हैं। बहुत सारे रिलीजियस के अंदर तो कॉमन सी बात हो गई है, रिलीजियस फैक्टर भी है। बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए भी दारू का बहाना ढूंढ लेते हैं, तो ये एल्कोहलिज्म के कारण है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन से, बहुत सारे लोगों के दोस्त पीयर ग्रुप से ना दोस्त वगैरह में पड़े हैं तो बेवड़े दोस्त थे तो वो भी दोस्त है ना, दोस्तों के साथ साथ वो भी हो गए। तो कारण आप लोग देख सकते हो कि कॉजेस क्या क्या है। देखो सर एक तो इजीली अवेलेबल हो, अब तो इजीली अवेलेबल पाए पैसे तो लेते हैं, मिल तो रही है ना, बहुत सारी चीजें पैसों से भी नहीं मिलती। प्रोफेशनल कोच हो सकता है, प्रोफेशनल कोच तो ये है कि जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती है उन सब में यही चलता है ना। रिलीजियस बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे रिलीजियस के अंदर है ना बिल्कुल खुले आप अलाउ है, शादी के अंदर भी है ना। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए भी बहुत सारे लोग कि चलो आज को यार आज क्या 180 ml 7 दिन तक है ना। डिप्रेशन के लिए भी लगातार डिप्रेशन में खोल दी बोतल आदत पड़ गई, अब तो पीयर ग्रुप से पीयर ग्रुप्स ऐसा एक ग्रुप बन गया देवड़ों का तो खुद भी बेवड़ा हो गया। डायग्नोसिस, देखिए आप लोगों को डायग्नोसिस की बात करें, इसके डायग्नोसिस के लिए आप जीजीटी करते हो, क्या करते हो बताओ? जैसे जीटीटी का नाम सुना है आपने, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किसमें करते हैं बताओ? जीटीटी किसमें करते थे? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किसमें किया जाता था? जीजीटी ये कौन सा है बताओ? जीजीटी ये क्या है बताओ? हाँ, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? गामा ग्लूटर एल्डिहाइड, सही लिखा गामा ग्लूटर एल्डिहाइड ट्रांसपेप्टाइडेज। एल्कोहलिज्म के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है जीजीटी। ये क्या है देखो आपको बता दूं, ये एक लिवर एंजाइम है जो एल्कोहलिज्म के मरीजों में बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में एल्कोहल लेने पर एल्कोहलिज्म के मरीजों में बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, और कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट है सारे के सारे,
एक क्या आपके पास में केज सी ए जी केज क्यू स्नेर केज क्यू स्नेर का मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कि बेवड़े से पूछा जाता है, एक्विलिंग वाले से पूछा जाता है। ये एक सोल्डर है केज सी ए जी ई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है। सी फोर यहाँ पे कट डाउन है, ए फोर यहाँ पे एनोइड है, जी फोर यहाँ पे गिल्ट है और ई फोर आई ओपनिंग है। देखो इससे क्या मतलब है, देखो यहां पर पहले सी का मतलब व्यक्तियों से हम सवाल करते हैं, चार सवाल करते हैं उसके जवाब सुनते उनसे। देखो सी कट डाउन का मतलब उससे सवाल किया जाता है शराब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, शराब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। अब यहां पे चार सवाल करते हैं व्यक्ति को कैच क्वेश्चन में, कितने सवाल होते हैं, चार सवाल। एनोइड का मतलब दूसरे लोग आपकी आलोचना करते हैं तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, दूसरे लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं। एनोइड गिल्ट, क्या आपको शराब पीने में शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ई आई ओपनिंग का मतलब आंखें खुलते ही शराब क्यों पीते हो, तुम्हें पता है एल्कोहलिक वाले मरीजों को आंखें खुलते चाहिए, आंखें खुलते ही शराब क्यों पीते हो, ये आपके पास में केज क्वेश्चनर। अब आप देखेंगे आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म आप सभी लोगों को पता है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं एल्कोहलिज्म के। देखिए आपके पास जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको एल्कोहलिज्म की वजह से, वो है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। क्या देखने को मिलेगा बताओ, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके ऊपर। ये क्यों होता है बच्चों, आप लोगों को बताया कि एल्कोहलिज्म की वजह से किसकी कमी आ जाती है, थायमिन की। किसकी कमी आ जाती है बताओ, थायमिन क्या है बताओ, विटामिन बी वन की कमी आ जाती है थायमिन की। आई बात समझ में, क्रोनिक एल्कोहल वाले पेशेंटों में, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंटों के अंदर, और इसे वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं। इस वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं बताइए। देखिएगा, देखो व्यक्ति के अंदर क्या रहती है, नमनेस, हाथ पे सुन्न रहते हैं उसके, उसको अटैक्सिया रहता है। अटैक्सिया तो जानते हो ना आप लोग, मैंने क्या होता है बोलिए, हाँ कोऑर्डिनेट मूवमेंट नहीं कर पाएगा ना, अनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा उसका, अटैक्सिया। उसकी जो स्पीच स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, उसकी आवाज जो है स्लर्ड हो जाएगी। देखते हैं कैसे बोलते हैं, बेवड़े बोलते हैं ना, हाँ, और उसके कौन सी मेमोरी लॉस हो जाएगी, इमीडिएट मेमोरी लॉस, जो शुरुआती मेमोरी लॉस होती है ना, इमीडिएट मेमोरी लॉस का मतलब जो आपके पास में रिसेंट चीजें, तुरंत जो चीजें आई है
दिमाग में वो याद नहीं रह पाएगी, इमीडिएट मेमोरी लॉस हो जाएगी। आगे बात समझ में, कहने का मतलब वो ये है कि व्यक्ति शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, जो चीजें उसके दिमाग में आई है तुरंत उसको हाँ आगे नहीं भेज पाएगा। और क्या देखने को मिलेगा मॉर्निंग कोर्सों को सिंड्रोम में बताइए आप लोगों को। देखो व्यक्ति के अंदर कॉन्फॉर्मुलेशन देखने को मिला, कितने गप्पे लगाते हैं, है ना। अरे बेवड़े देखे तो उनकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, तो आप कोई भी सवाल पूछेंगे आप लोग तो वो गप्पे लगाएंगे क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, मेमोरी लॉस हो चुकी है। हाँ कॉन्फॉर्मुलेशन देखने को मिलेगा, कॉन्फॉर्मुलेशन का मतलब तो जानते हो ना आप तो सब लोग। जो चीजें याद नहीं है जो स्पेस है आपके मेमोरी का उसको गप्पों से भर देना ना। हाँ हेलुसिनेशन होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्कोहलिक के मरीज को कौन सा हेलुसिनेशन होता है, विजुअल हेलुसिनेशन, कई बार आया एग्जाम के। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी में कौन सा हेलुसिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विजुअल नहीं दे रखा है ऑप्शन के अंदर तो आपका आंसर होगा ऑडिटरी सेकेंडरी। अरे बात समझ में, सेकेंडरी आंसर क्या होगा। हाँ और इधर देखो डिलीरियम ट्रेमर आने लगी है, डिलीरियम ट्रेमर मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को ना, अरे बता दिया नहीं बता दिया, ये मोस्ट कॉमन है किसके अंदर बताओ, एल्कोहलिक वाले में, रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, किससे रिलेटेड है बताओ। अरे मैंने बता दिया आप लोगों को डिलीरियम ट्रेमर्स पहले बढ़ाया मैंने अभी, डिलीरियम में देखना आप बोल के रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। एल्कोहल फिट्स पढ़ सकते हैं, ज्यादा एल्कोहल पीने की वजह से जो है फिट्स भी आ सकते हैं, जानते हो ना, ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक। तो ये क्या पढ़ा आप लोगों ने बच्चों, देखो मेनली आप लोगों से पूछा जाएगा कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म क्या बताएंगे, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, और उसके अंदर आपके पास में क्या क्या देखने को मिला आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को क्या क्या सिम्टम देखने को मिले। अब देखिए आपके पास एल्कोहलिज्म के मरीज के लिए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो मैं बताया, सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा आपका एल्कोहलिज्म में, इधर उधर उसका अटैक्सिया है ना, क्या है तो क्या करोगे, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी सबसे मेन, बेवड़ों का तो सबसे पहले चोट लगने से बचाओ ना। हाँ और ये हो गया आपके पास में मेन, ये जानना है कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, ये तो तुम्हें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली, और मेन कॉम्प्लिकेशन तो क्या हो गया आपके पास में बताओ, वर्निंग कॉर्सकॉफ, और अदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं मुझे एक बार बता दो साइड में लिखने। देखो लीवर में प्रॉब्लम होगी, सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, गैस्ट्राइटिस का भी मोस्ट कॉमन फॉर्म एल्कोहलिज्म हो आपके पास में, पैनक्रियाटाइटिस का भी क्या था, एल्कोहलिज्म था, अरे लीवर सिरोसिस का भी क्या था, एल्कोहलिज्म की वजह से होने वाले लीवर सिरोसिस को क्या कहते हैं बताओ, एल्कोहलिज्म की वजह से होने वाले सिरोसिस ऑफ लीवर को क्या कहते हैं, लिनेक सिरोसिस, दिखाया हुआ है मेरा, क्या कहते हैं बताओ, लिनेक सिरोसिस बताओ। सोशियो कल्चरल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अरे डिवोर्स हो सकता है, समाज से अलग कर सकते हैं लोग उसको, हो सकता है ना, सोशियो कल्चरल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि सारे पैसे किस पे लगा देगा बताओ, अरे किस में लगा देगा सारे पैसे, हाँ शराब खरीदने में ना, तो
सोशल कल्चरल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है, आप लोग उस एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सोशल कल्चरल कॉम्प्लिकेशन डिवोर्स हो सकता है आपके पास में, फाइनेंशियल कमजोर हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है आपके पास में। बात करते हैं सर एल्कोहलिज्म के मैनेजमेंट के बारे में कि क्या मैनेजमेंट करेंगे आप एल्कोहलिज्म का। क्या मैनेजमेंट करेंगे आप एल्कोहलिज्म का देखेंगे आप लोग। देखो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म क्या होगा आपके पास में, टोटल एब्स्टिनेंस। टोटल एब्स्टिनेंस का मतलब ये है, देखो व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरे तरीके से शराब छोड़ दे, उसको ऐसा बनाए हम लोग, व्यक्ति अपनी मर्जी से पूरे तरीके से शराब छोड़ दे। आई बात सुनो, 30 ml तक ही पिए, आगे बात समझ में। या फिर दूसरा एक आलोचना करने वाला ग्रुप बनाया जाएगा, एल्कोहल एनोनिमस ग्रुप, जो आलोचनाएं करे किसके लिए, हाँ एल्कोहल लेने वालों के लिए, जिससे भी क्या हो सकता है एल्कोहलिज्म क्या हो सकती है, कुछ हद तक छूट सकती है ना। अगर इन सब से भी नहीं छूट रही आपके पास, मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट तो कौन सा है बताओ, व्यक्ति अपने आप से अगर शराब छोड़ देगा तो दोबारा पीने से हिचकिचाएगा है ना, एक बार अपने आप से छोड़ दे। या फिर दूसरा मैनेजमेंट क्या करेंगे, एल्कोहल एनोनिमस ग्रुप, जो एनोनिमस का मतलब क्या होता है, आलोचना करने वाला, एल्कोहल को आलोचना करने वाला एक ग्रुप बनाते हैं, वो लोग जगह जगह पर क्या करते हैं बताओ, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को कहते भी है ना। एक आपके पास में एवरसन थेरेपी, और एवरसन थेरेपी के लिए बच्चों हम लोग यहां पर यूज करते हैं ड्रग्स, क्या यूज करते हैं बताओ बच्चों, ड्रग्स यूज करते हैं, आई बात समझ में, जिसका नाम है डाइसल्फिराम। ये सभी लोग जानते भी इस चीज को, अरे सभी लोग जानते नहीं जानते, डाइसल्फिराम आई बात समझो। देखो डाइसल्फिराम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक ऐसी ड्रग्स है जो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके डाइसल्फिराम एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करती है और सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में, तो व्यक्ति को क्या लगता है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एल्कोहल की वजह से आ रहे हैं, आपने मैंने पहले भी बता दिया इसके बारे में आप लोगों को, तो व्यक्ति धीरे धीरे इससे शराब से दूर जाने लगेगा, व्यक्ति धीरे धीरे शराब से दूर जाने लगता है। आगे बात समझ में, अब क्या होता है देखो, जब हम डाइसल्फिराम देते हैं एकदम से शराब छूटती है व्यक्ति की, तो एल्कोहल विड्रोल सिम्टम्स आने लगते हैं, क्या लगते हैं बताओ, एल्कोहल विड्रोल सिम्टम्स, यहां से भी ध्यान रखिएगा, एल्कोहल विड्रोल सिम्टम्स आने लगेंगे व्यक्ति के, हाइपरटेंशन व्यक्ति के, आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता लगेगा, पाल्पिटेशन वगैरह, हाइपोग्लाइसिमिया वगैरह होने लगेगा। तो देखो यहां पर एक बार ध्यान रखिएगा आपके पास में कि
यहाँ पर पूछा जाए कि एल्कोहलिक मरीज के मैनेजमेंट के लिए कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, डायसल्फिरा मैनेजमेंट के लिए कौन से ड्रग यूज कर रहे हो, लेकिन एल्कोहल विड्रोल सिम्टम्स आ जाए तो उसके लिए क्लोरोडाइजोपॉक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बताओ, ये ध्यान रखिएगा। एल्कोहल विड्रोल सिम्टम क्या होते हैं, एल्कोहल छोड़ने की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, व्यक्ति एल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है ना, एक व्यक्ति किस पे डिपेंड होगा, एल्कोहल पे बिल्कुल खुश रहता था, लेकिन जैसे एल्कोहल छोड़ा वो डिप्रेशन में एंजाइटी में रहने लगेगा, तो उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम क्लोरोडाइजोपॉक्साइड, इसका नाम आपने पहले भी सुन लिया है, क्या नाम है दूसरा नाम बताओ इसका, हाँ शाबाश। आप क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो मुझसे पूछेंगे, आप लोग यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल के सामने आएंगे ना, तो ये है आपके पास में कंप्लीट होता है एल्कोहलिज्म।